Hi, this is Shoaib Akhtar and you're watching me in Rewind with Samina Peerzada, the one and only, the legend. Watch it. औरतों के बारे में हम ऐसा सोचते हैं, औरत पांव की जूती है जी, मसल दो जी। किसी ने पूछा और वाकई पांव की जूती होती है? कहते हाँ बेटा, जो खुद को पांव समझते हैं ना, उनके लिए वो जूती होती है। जो खुद को बादशाह समझते हैं ना, वो सर का ताज रखते हैं उसको। सो हमारी औरतों के बारे में भी हमारी हमें ना कोई गाइडेंस है ना कुछ है। बहुत शुक्र मेरी माँ मुझे, मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट हूँ और मुझे थोड़ी माँ की ब्रॉटअप है, तो आई एम जस्ट मोर क्लोजेस्ट टूवर्ड आई टिल टूवर्ड वेमेन मोर इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज मुझे लगता है कि जुल्म हुआ उनके साथ यार। सदियाँ गुजर गई हैं, जब जाएंगे वो सफ़र हुआ करती हैं। कुछ हो जाए सफ़र औरत करेगी, ये हो जाए तब औरत सफ़र करे। सफरिंग औरत ख़त्म ही नहीं होगी, देरी जुल्म है। सो इम्पावरिंग पीपल इसी तरह हो सकता है, इम्पावर्ड इम्पावर इसलिए किया जा सकता है कि जब आप थोड़ा सा माफ़ी की तलाफी तरफ जाएँ और आप थोड़ा लोगों को बख्शिश दे दें, माफ़ कर दें। और खैर इसमें ना, आप हम सारे ही एक जैसे ही हैं ना, हम में से कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, हम एक जैसे ही हैं। तो फिर यार लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का, बस छोड़ दो। बस थोड़ी सी अकड़, थोड़ा सा पैसा, गाड़ी हो जाए, मर्सिडीज हो जाए। चलें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। $1 million, 4S, 2S class, 4 कनाल के घर और द अपार्टमेंट इन फुलम रोड इन इंग्लैंड, मैच फिक्स कर दे। मैंने कहा यार ऑफर बड़ी अच्छी है यार, बात तो सुनी यार। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कुंडली लगा कर वो फेंटा लगाया ना उसको मैंने, तो उसको बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी कौन कौन फिक्स है? सर ये भी हैं, सारे हैं, एक और लड़का शुएब भी है। उन्होंने कहा इट्स हार्ड टू बिलीव। कहते नहीं सर उसका एविडेंस मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा क्या? ऐसा कि मेरी आंख फटी हुई, उसने मारा है मुझे। उन्होंने कहा सर उसने बड़ा कूटा है मुझे बोल के। तो उन्होंने कहा तो मैंने डरा दिया हमें, शुएब अख्तर तो वाहिद आदमी जो नहीं कर सकता। बाहर उसके मैंने कूटा था ठीक ठाक किस्म का, फिर उसके बाद तौबा कर लिया, बाकी लड़के घेर लिए था उसने। ऐसे कैसे ख्वाब दिखाते हैं ना वो जी, ख्वाब के साथ क्विक मनी। अच्छा क्विक, एक चीज मुझे बहुत मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं लड़कों को और 18 साल के बच्चे होते हैं, वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरते जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, आप नहीं समझते कि उनको एकदम से बजाय फील्ड में धकेलने के थोड़ा सा पहले ट्रेन कर लें, उन्हें अदब आदाब सिखा लें, उन्हें बताएं कि दुनिया कितनी यू नो मुश्किल है। सबसे बड़े दुश्मन ड्रेसिंग रूम में ही होते हैं बच्चों के। काश इमरान खान मिलता एक और हमें, तो हमने तो फटे पांदे ने, हमने तो दुनिया को अपसेट डाउन कर दिया। वो तो नजर रखता था ना, वुड हैव बीन ब्रूटल, वुड हैव बीन यू नो आई वुड हैव बीन स्टडिंग इन समवेयर इन वर्स्टरशायर, आई वुड हैव बीन डूइंग माय यू नो पीएचडी इन क्रिकेट। 18 साल रहा हूँ, 10 साल पढ़ लेता, 8 साल पढ़ लेता, 6 महीने हम काउंटी खेलते रहे, बट हमारा कॉम्पिटिशन विद इन द टीम वॉज सो फेयर्स। और आई एम सॉरी टू से दिस, हमारे बड़े बड़े नहीं बन सके, आज भी नहीं, इसलिए अच्छे नहीं बन सके। तो और दूसरा पीसीबी एक वाहिद एक बकवास इदारा है जिसमें आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि इसके लगाने वाले को चेयरमैन को ढंग का बंदा ही लगा लो, कोई विजनरी लगा लो अल्लाह के बंदे, क्योंकि ग्रूम तो करना है ना उन्हें, उन्होंने दुनिया में नाम उन्हें भेज रहे हैं, सिस्टम बना दो ना। वो क्या 5-5, 10-10 लाख की तनख्वाह को पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर दिया आपने, कुछ समझ नहीं आती। यस मैन चाहिए इनको, यस मैन चाहिए ना, कितना यस चाहिए, वो यस ही चाहिए बस, कितना वो यस मिलेगा नहीं। वो बल्लाओ बंदा तगड़ा जी, और जो लॉजिक के साथ देखो, अगर मैं समहाउ ना इफ आई जस्ट लेट्स इमेजिन दैट यू नो आई हैव बिकम अ चेयरमैन ऑफ क्रिकेट आई वुड हैव बिकम अ स्टेक होल्डर विद माय मीडिया, आई वुड हैव गेट देम ऑन बोर्ड, ठीक, आई वुड हैव मेक अ चीफ सेलेक्टर आउट ऑफ एवरी प्रोविंस, ठीक, मैं पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट कराता, ओपन ट्रायल ऑन माय वेबसाइट कराता, जो अच्छा है बेटा आजा क्लिप भेज दे,
हम हर जगह पहुँच जाते, तू आ जा, हम तुझे अकोमोडेशन देते हैं, हम तुझे यहाँ पे रखते हैं। मैं आते साथ 500 बंदों को निकालता हूँ यहाँ से, 50 बंदे का काम नहीं है, 700 बंदा रखा हुआ आपने, बात कर रहा हूँ मैं, हैं जी, क्रिकेट आपके पास है नहीं, और इतने घटिया डिसीजन करती है, इट्स जस्ट लाइक ए सो लेम डिसीजन ऑफ पीसीबी, एंड देन दे कीप पीपल, यू नो, द डोसाइल, दे हैव नो प्लान्स। आई वुड हैव कीप माय मीडिया एज अ स्टेक होल्डर, आई वुड हैव गेट द सेलेक्टर्स ऑफ एवरी प्रोविंस। यार तू बता, तू बता, तू बता, आई विल से द वर्ड्स फॉर यू, यू पिक द गाय, गेट द डेटा एनालिसिस, गेट देम ऑन द वीडियो, put it on social media, make him a nuisance out of him, so puri duniya dekhe, let whole city vote for him and root for him, you know, ki yaar this is a guy, this is a guy, so khilao ji, rola dal do ji, rola dalo ji, vote kara do, puri Balochistan uth jaye, hamara Gilgit Baltistan uth jaye, hamara Zara Pizu uth jaye, Baltistan uth jaye, har jagah kheli jati hai, haan na। मैंने कोई पाकिस्तान का ऐसा शहर नहीं देखा जहां बच्चे जो है ओपन स्पेस मिलती है वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे ही, यू नो, ऐसे ही। फिर जो मेरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है, मेरी आवाम होती, मैं जॉब कट करता, जॉब कटिंग पे जाता, मैं एक्सपेंसेस कम करता, मैं अपने पैसे, बोर्ड के पैसे बनाने के लिए एवेन्यूज ढूंढता। वो इतनी बड़ी अकेडमी, उसमें से कौन सा शोएब अख्तर निकला है आज, पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी जी रखी, और कौन से शोएब अख्तर निकाल लिया आपने, और इसको मैं बुलडोजर फिरा के ना, मैं पंजाब गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से मिलते करता, मैं सर मुझे यहाँ पे 10 टावर खड़े करने दें, मैं 4 टावर खड़े करना चाहता। उससे जो इनकम आती, मैं रीजनरेट करता, इनकम को रीजनरेट करके उसको सिस्टम में डालता। मैं आज कहता, ओ भाई साहब 1 करोड़ रुपया पर बच्चा पर सीजन मिलेगा, तो उन्हें आपको 19-20 की ना जीरो टॉलरेंस के साथ बाय, अब डिसाइड कर ले तूने क्या करना है, यू वांट टू लूज अबाउट $150,000। मैं पैसा लाता, फिर मैं साफियों को साथ लेता, वो भी बेचारे मोटरसाइकिल छोड़ के साफी बने, उनको भी कॉन्फिडेंस देता, आ जा मेरे पास, आ जा, तुम्हें लगता है ये खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, आ जा, तू ओपन ट्रायल मेरे साथ होगा, तू भी सिलेक्टर बन। ये होती है लॉजिक्स, ये होता है सबको लेके चलना। सो PCB, I don't know, हम ठीक नहीं होना, अस्मिन आप, हम ठीक नहीं होना चाहते। क्यों नहीं ठीक होना चाहते? टाइम लगेगा, मार खानी पड़ेगी। कितनी और मार खाएंगे? थोड़ा है, वक्त और है। इतनी गुर्बत बढ़ गई है, इतने नौजवानों के पास जॉब्स नहीं है। मैंने पड़ोसी मुल्क में इससे बदतर हालात देखे, जो बहुत बोलते हैं ना इनक्रेडिबल, उससे बदतर हालात देखे। मैंने बॉम्बे की सड़कों में गुर्बत देखी। हाँ, लेकिन आइडिया नहीं, लेकिन हमने अपना मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि हम सड़कों पे हमारे बच्चे जो हैं वो सो रहे हो। नहीं नहीं, या कि उनके टैलेंट वाला आगे ना बढ़े। नहीं, मैंने क्यों, हमें गरीब होना ही नहीं चाहिए, रिसोर्सेस तो देखे हमारे पास जितनी है। कहते जी हमारे सियाणे कहते थे, हमारे जो पुराने थे, हमारे सियाणे कहते। मैं केड़े सियाणे, कौन से सियाणे, वो तेरे सियाणों को वैसे तो ये आलू है हमारा, कौन सा सियाण है वो, 70 साल में क्या काम का बंदा मिला हमें? आप कुछ भी ना, आप काम का बंदा मिला आपको? अभी इमरान हमें मिला है ना। ओहो, अभी तो चल रहा है ना इनका, तो अभी तो टेन्योर इनका, तो जब खत्म होगा तब मैं जज करूंगा इनको। कौन काम का बंदा मिला हमें, वो किसने विजनरी कोई सोच लेके आया है, वो किसने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, फैक्ट्रियों की बिजली फ्री कर देते हैं, वो काला बाग डैम बना देते हैं, और कोई काम कर देते हैं, वो इतनी ताकत थी मुशरफ के पास, वो बड़ा कुछ कर सकते हो शोएब खबर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे, हम किसी पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान नहीं है, या किसी पुराने इलाके में दुनिया के पता नहीं अलास्का में तो नहीं है, हम दुनिया के दरमियान है। हमें ये सब कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके अचीव कर लिया है, हम क्यों नहीं बन सकते उनकी तरह? डेनमार्क, हॉलैंड, कौन कहाँ से लाएंगे? यहाँ से रेडी वाले से लेके, अल्लाह माफ करे, प्राइम मिनिस्टर साहब, सारे चोर हैं। दिन में जहाँ 100 दफा झूठ बोलते हो, उसमें आज एक काम करके 99 दफा झूठ बोल देना। कौम लीडर्स बनाते हैं ना, कौम पहले पिटती है,
उनका डाउनफॉल आता है और तब वो फिर मिट्टी से मिट्टी होते हैं, फिर उनके अंदर से हीरा निकलता है। ये हिस्ट्री बताती है मुझे। मक्का के जायलों से कोई बड़ा जायल मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसी कोई जात तो हो या उनकी नकल करने वाला तो कोई हो। मदीना की रियासत जरूर बनाए और मदीने वाले जैसा तो पहले बन। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मदीना की रियासत ऐसी नहीं बनी, मदीने वाले ने आप इस्लाम की ज़ात पाक ने बनाई। क्वालिटी तो लाओ, अबू सुफियान को माफ़ करना तो देखो, उमैया को माफ़ करना तो देखो, औलादें कट गई, कहा ही कुछ नहीं, माफ़ी 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 माफ़ी। तो ऐसी खसूसियात लानी पड़ेंगी आपको। देखिए समीना आपा, मैं ये नहीं कहता ऐसे छड़ी लाई सब ठीक हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन रोड मैप तो दिखा दो, वो कोई अलड़ उलड़ कर दो, अड़ अड़ कर दो, 50 और भागो यहाँ से, अड़े खुद दिमाग ले आओ बाहर से, क्या होता है? कुछ नहीं होता। लोकोमोटिव ने जब पार्टीशन हो रही थी तो हिंदुस्तान ने कहा कि हमें बस एक पुर्जा बनाना सिखा दिया करें हर साल, बस लोकोमोटिव में एक एक पुर्जा। आज लोकोमोटिव क्या बनती हिंदुस्तान में? मैं सिर्फ ये कह रहा था यार कि कोई काम कुछ भी, और इससे ज्यादा खूबसूरत जगह पाकिस्तान से ज्यादा टैलेंटेड लोग, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त लोग, इंडिविजुअल दुनिया में गिनते हैं जिनको आपको कोई ऐसा लगता है स्पोर्ट्समैन ऐसे को खुल के बात करेगा जो उसको अल्लाह ने कितना दिया है हमें? वो यार कुछ तो सोचो यार, कुछ तो दिमाग तो यूज़ करो। शोएब क्या कर रहा है? शोएब किस तरह अपना हिस्सा डाल रहा है? रिफाइन करेगा, सफाई करेगा, इसको तैयार करेगा और करेगा, काम करेगा, इंशाल्लाह करेगा। तो क्या क्या प्लान्स हैं शोएब ने, क्या क्या करना है? हाय नहीं बता सकता, मैं पिंडी वाला हूँ आपको पता ही है। अब लोग बताए मतलब क्या समझे? देखिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ से आपकी स्ट्रगल है तो है, मानो गलत है तो वो गलत है, वो तो बात ठीक है, लेकिन स्ट्रगल को तो भूलो यार। जरदारी साहब की एक स्ट्रगल है, जो किया सो किया, वो छोड़ो स्ट्रगल तो देखो। शेख रशीद की स्ट्रगल है तुम मानो, मरीम नवाज की स्ट्रगल है, आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की स्ट्रगल है, गलतियां हुई तो ठीक है लेकिन मानो तो सही। वो सबको बुरा तो नहीं कह सकते ना, उसने कुछ अच्छा भी किया होगा ना। सो मैं ऑनेस्टली मैं नहीं समझता। देखिए हर मुल्क में फौज होती है, या आपकी या मेरी किसी की। I would rather live with my own army. And now you have my clear message to you. So I am half democratic, half probably, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, कभी मैं सियासत में आऊँ या ना आऊँ या मैं कुछ और करूँ, पता नहीं, I don't know. I'm just confused. अच्छा। हमसे कंफ्यूज किया, मुझे करना क्या, मैं टी जंक्शन पे खड़ा हूँ, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, जाऊँगा राइट पे ही, अब राइट पे चीज़ें क्या करनी मुझे नहीं पता। नहीं अपना हिस्सा कैसे डालोगे, क्योंकि जो जो भी फेमस होता है दुनिया में वो फिर अपना हिस्सा डालता है, उसके होने उसके वजूद से कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, कोई लोगों की, पहले उसको फेंटा खाना पड़ता है। वो फेंटा खाता, फेंटे के बाद चीज़ें होती हैं। वो फेंटा शायद रहता है मेरा अभी, फेंटा रहता है। हाँ जी, कुछ करने के लिए फेंटा, सर फेंटा तो सर। तो क्या आसानी से मिल गई है ये सारी ना शोहरत? नहीं ना, नहीं तो आगे कुछ और करने के लिए इन ऑर्डर टू डू समथिंग बिगर देन दिस, तो उसकी भी स्ट्रगल है ना, तो फेंटा तो है ना जी बीच में। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देखे मैं पहले भी कह चुका हूँ, यू नो मेरे दिल से ना पाकिस्तान निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल, नहीं निकल सकता, हो नहीं सकता, और डिस्पाइट ऑल दिस सारी खराबियां ये नहीं हो सकता। और मुझे पूरा यकीन है समीना आपा कि हमें थोड़ी फैंटी फूटी और पढ़नी चाहिए, और पढ़नी चाहिए हमें, पढ़ जाए मिट्टी से मिट्टी हो जाए,
लेवल ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल आ जाएं, ठुड्डे लगने शुरू हो जाएं, रियलाइजेशन आ जाएगी कि यार नहीं अब प्लीज, जब आप गाड़ी अपनी लेन में चलाएंगे, गंदे मचाएंगे, सच बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हाँ गवर्नमेंट के पैसे को अपना समझेंगे, सच पहले बोलेंगे, सच बोलेंगे। जब सरेंडर किया ना जापानीज आर्म फोर्सेस के चीफ ने, तो उसने पिस्तौल नीचे रखी और टूल उठाया, पेचकस उठा लिया। उन्होंने कहा मैं ले डाउन द वेपन्स, वांट टू पिक अप द टूल्स नाउ। लुक एट जापान माय लॉर्ड, क्या दुनिया ही गाड़ी बनाते हैं, क्या करते हैं, ओ पिक अप टूल्स ओए। और मेरे मुल्क के बड़े शेर के बच्चे हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनको चैनलाइज करने के लिए वो बंदा तो कोई मिले। उम्मीदें बड़ी इमरान भाई से, डिलीवर कर पाए न पाए, ये मौका अल्लाह ने दिया है उनको, और उम्मीद पूरी है अल्लाह से, शायद करे महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है। अब वो कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, लेकिन एक वाजिया रोड मैप के साथ इमरान भाई को आना चाहिए। और मैं ये स्ट्रेट वे समझा था, पहले 50-60 दिन में धमाका होएगा, हट जाओ परे सारे, बहुत भागो यहाँ से, 3-4 को पकड़ा, चलो जी तुम तो साइड पे हो ना, बाकी सब सीधे हो जाओ, इधर आ जाओ। पैर से पकड़ के दिमाग लाते, इकोनॉमिस्ट लाते, वो बड़ी बड़ी हमारी कमाल खातून ने वर्ल्ड बैंक में काम करे, मैं 10 को जानता हूँ। आ जा बीबी, आ जा बैठ जाए यहाँ पे, नहीं आना सामने ना पीछे तो बैठ, बीबी आ अपना दिमाग यूज करते हो, आप बता क्या करना। वो बंदे पकड़ के ले आ, खड़े कर, हाँ भाई क्या करना है, करना तो है ना, यही मौका है। बात है जिंदगी रिग्रेट्स है, आई एम श्योर ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड लेट्स सी, आई कैन जज हिम आफ्टर फ्यू इयर्स और अप टू 5 इयर्स, आई डोंट नो। पहली मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत एक नहीं, आई एम मोस्टली वेरी स्ट्रांग, आई बिलीव इन रिस्पेक्टिंग वुमेन, एंड आई बिलीव इन नॉट मेंशनिंग द नेम बिकॉज़ आई डोंट किस एंड टेल। सो मेरे मुंह से आपने कभी किसी खातून के बारे में बात नहीं सुनी, एंड या देयर आर फ्यू बट यू नो आई वुडंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। नहीं, औरत की इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, उसको ऊपर रखना चाहिए, मर्द का काम है उसको उतर चुक के रख भाई, उन्हें उतर रख, वालदा का दर्जा उसको उठा के रख, बहन का दर्जा उठा के रख, बीवी का उठा के रख, दोस्त है तेरी उठा के रख उसको, उसको एक स्ट्रेचर दे, उसको मुकाम दे, वो रोलते ही रहना है, हमने छोटे ही मारते रहना, औरतों को काम नहीं लेना उनसे, हमने काम लेने ही नहीं हमने। और हमारी दुनिया कहती है यार हमारी औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, वो बड़ी तेज़ हैं जी, वो बड़ा दिमाग है उनका जी, वो दिमाग काम कब आना उनका हमारे साथ, उनको कोई इन्वायरमेंट तो दो, कोई कॉन्फिडेंस तो दो यार, उनको थोड़ा बिलीव तो करो, थोड़ा उनको उस ऑब्जेक्ट से निकाल के थोड़ा और तरह से भी देखने शुरू करो, ताकि कोई पता मज़ा तो आए यार, चलो जी शोल्डर टू शोल्डर पेचा डालो। लेकिन ये ना हो ना कि औरत का रोल चेंज हो, कि मर्द बन जाए और मर्द औरत बन जाए, वो ये नहीं है बैलेंस दुनिया का। वो ठीक है भाई तू शहजादा, तू बादशाह बनाया अल्लाह ने, और जा भी दुनिया में डिसीजन कर, लेकिन स्पाइन तेरा मैं हूँ, स्पाइन के बाद बंदा खड़ा हो सकता है जी। नूरजहान की कैंटी भी जाती थी जहांगीर के टाइम पे, टन टन टन, ना ना गलत डिसीजन, गलत डिसीजन। सो हमें वी गॉट वी गॉट रिस्पेक्ट वुमेन नाउ, वी गॉट टू रिस्पेक्ट वुमेन, वी गॉट टू लर्न टू रिस्पेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ हाइक ऑफ इट, आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ बॉटम माई हार्ट के यार हमें उनको तो इन्हेंस करना है, और किसने करना है, सारे मेल चौबनी सोसाइटी है, वो सारे अपने आप को बादशाह समझते हैं और आपको गुलाम समझते हो, किसने उठाना है बेचारी को। सो आई ऑलवेज बिलीव यू नो आई स्टार्ट अप माय कंपनी, आई मेक श्योर दैट यू नो the most of the females are out there. kaisi company banaoge? There's acha ho raha hai, oh in the pipeline, there are too many things that I'm doing, you know, they are working for me. Begum kahan mili thi? Begum ammi ko mili thi, ammi ko mili thi, ammi ne kaha ye ladki idhar se shaadi karegi, main theek hai jo bhi, and I'm one of the nicest women that I came across, one of the most friendliest, one of the nicest, and one is the most accommodating, and giving birth to my beautiful two sons. And she's one of the most lively person that I come across. She has nothing, temperamental about it.
She makes you a happy man. Yeah. She keeps it very easy. Yeah, easy ho ja, badshah aa gaya, boss aa gaya. Aur so ja aaram se khana khao, AC lao ji. Aur laad loot karo ji. You know, that's what you need when you come home. This is the base. And the base has to be comfortable. Acha, ye batao, jab pehla baby paida ho, to jab se god mein uthaya tha. Nahin, main namaz padh raha tha. To kisi piche se awaaz aayi, tumhara beta hua. So I just felt, mere kaamna shuru ho gaya. So I just said, oh Lord, thank you very much. Namaz khatam ki, main sajda ki, main ki, ya Allah, kitna meherban, tu kitna acha hai, hain? Aur hum kitne bure hain. Chal, meri jhooti zuban se apni sachi tareef sun le. So main phir bada khul ke Allah ke saath soch laya. So ye apne Allah ke saath rishta paida karo. To phir jab baby ko uthaya god mein, haan, main kaha, ye tu kaun hai bhai? Hey, Mikhail. So, क्या नाम रखा? मिकाइल. आपने रखा? मोहम्मद मिकाइल अली अख्तर. अच्छा. मेरी आले बैत के साथ वैसे ही अल्लाह ने कनेक्शन एक बड़ा स्ट्रांग बनाया. तो मैंने हजरत मौला अली का फिर नाम रखा, फिर दूसरे का नाम भी मुजद्दद अली अख्तर रखा. सो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे यू नो ये जो जो आले बैत की मोहब्बत है ना, ये बाप की विरासत नहीं है, ये माँ की शराफत की वजह से मिलती है. सो बहुत सारे देखें अनसीन बिजनेसेस हैं, अनसीन दुनिया में नेटवर्क्स हैं जो आपको नज़र ही नहीं आते और आपके लिए काम कर रहे हैं. कभी आपने गाड़ी चलाते हुए तेज़ हवा में, याद है आपको तूफान आया लाहौर में, आप गाड़ी चलाइए रायगढ़ की तरफ जा रहे हैं, अचानक एक फटा गिरा तो आपकी ब्रेक लग गई, डस्ट कर गई, वो आपने मारी थी ब्रेक, आपने लगाई थी. इस तरह बंदा आया, गाड़ी इस तरह अचानक मुड़ गई, वो किसी ने तो हाथ पकड़ा होना आपका, आपके साथ मदद बड़ी है ही मदद सारी गायबी. इंसान के पास में एक चीज है, वो इख्तियार है, इख्तियार, वो फैसला करने का इख्तियार. ये पस्तौल है, ये उसे घोड़ा है, दबाना नहीं दबाना, मर्जी दे रही. उसके बाद इंसान के पास कख भी नहीं है. नींद को रोक कर देख लो, सांस को रोक कर देख लो, बूढ़ा होने से रोक लो, मौत को रोक ले, है जी. तो कामयाबी क्या है? कामयाबी, आप मुझसे ये पूछे दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल कौन है? कौन? जिसको दुनिया में आने का मकसद ही नहीं पता, वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है. तो मकसद तो फिर तलाश करना पड़ता है, खुद ब खुद तो चल के नहीं आता. मुकम्मल दीन दिया है, देखिए आप लोगों ने सरणला का मौलवी, एक मुकम्मल दीन दिया है आपको. उस दीन के साथ प्रैक्टिस करके दिखाइए आप अल-इस्लाम की ज़ात पाक. तीन दफा दा कर टाना ना जवाब आए चला जाए, इतना खाना खाना, एक थोड़ा छोड़ देना ताकि मैदे में पहले पानी पी लेना ताकि उसकी एसिडिटी बैठ जाए, उसके बाद थोड़ी सी खा ली, कोशिश करी रोज़ा रख ली, जल जाए, कैंसर नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा. बीवी से ऐसे बात करी, बेगम का ये है, रिश्तेदारों का ये है, नहीं बो तेरे नबी तेरे करके दिखाया तो नहीं कबूल गया, फिर खा जूतियाँ दुनिया में, सच तू नहीं बोलता, हक तू नहीं देता, यतीम तेरे हाथों रुल गया, बेवा का माल तुम खा जाते हो, साना साहेबाल हो यार, मेरे तो जिगर, मेरा जिगर ही फट गया अंदर से, मुझे देखी जा रही बच्चियाँ, अब मैं कैसे कंफर्ट करूँ पैसों से? अच्छा कर दिया, फिर मैं क्या करूँ? Regret is like a rear view window of the car. You keep looking at it, but you gotta drive on straight forward. वो जो यहाँ से अब यहाँ तक वो बड़ी होंगी, वो क्या सोचेंगी? ज़ैनब मेरे अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकल रही. ज़ैनब मेरे दिमाग से नहीं निकल रही अभी तक. घूमी जा रही, घूमी जा रही, घूमी जा रही, घूमी जा रही. ओ यार खुदा के बंदो, कुछ तो यार थोड़ा सा. मैं ही नहीं कहता कि पाकिस्तान में अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं. वो एक नेशन का बनना है, वो कट्ठे जफी तो पाओ या फिर उसके लिए और फैंटी खानी है. उधर लाइट बातें करी थी, छोड़ो लाइट बातें करी थी, बहुत सीरियस हो गया. और नाकामी क्या है? कामयाबी तो है ना कि आप अपना ढूंढ ले मकसद, और नाकामी? आप किसी फिलोसफर के साथ तो नहीं बैठी ना? बताओ ना,
क्यों है? अंदर शोएब के एक फिलोसोफर है, सोचता है, महसूस करता है। नाकामी जब आप ना अपनी हमाकतों से ना सीखना नाकामी। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान बुरा भी करता है, गुनाह उसकी जिब्बिल्लत के अंदर है, इख्तियारी नहीं है। बहुत सारे गुनाह इख्तियारी नहीं है जो जबकि जिब्बिल्लत में रखा है। हारूत और मारूत का किस्सा तो शायद आपने नहीं सुना, जो दो फरिश्ते हैं, सबसे जायद और आबद नीचे लाया, शराब भी पी ली, कत्ल भी कर दिया, उन्हें जना भी कर दिया। वो आज भी मैं बाबुल में, बाबुल के एरिया में मैं गया तो कुआं ढूंढने कि वो कहाँ लटके हुए अभी तक, अभी तक इधर ही। फरिश्तों से यार हम तो इंसान तोबा इस्तग़फ़ार करो। समीना आप देखो, सच बोलने की कोशिश करो, फेक ना बनो, वो फेक ना बनो। यू नो जो दिल में है कह दे, और अपने साथ कभी झूठ मत बोल। अपने साथ तो झूठ ना बोल कि तेरे में कमी है, मान जा तेरे में कमी है। ओह चाय तो फ्री जाते, और तेरे ज़्यादा सोना है भाई, मान ले वो सोना है भाई, सोना है ठीक है, बड़ा स्टार है, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी में क्या हूँ? उसको इनहेंस कर, मजा ले, शाहिद अफरीदी को ऊपर का जरा और नहीं, बड़ा बड़ा स्टार है और चला जी है जी। मेरी अपनी मार्केट मुझे अल्लाह दे रहा है, क्यों अल्लाह की तकसीम से मेरे साथ बिना आपा हसद बहुत हद हद से ज्यादा होता है, और मैं दुनिया का नेक तरीन इंसान हूँ। कभी हसद की है किसी से? ना जी ना, मेरे तो पास ही नहीं गुजरती मेरे तो पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन मैं दुनिया का सबसे नेक तरीन इंसान हूँ, ये लगा देना हेडलाइंस पे आप, क्योंकि मुझसे हसद करने वाले की सारी नेकियां मेरे पास आ जाती ये तो सारे वो सारी मुझे दे देते, वो क्यों हसद करते आप कहते हो कि और हसद करो फिर ठीक है। वो मुझे कहते हैं ओए एक्टर, ओए यार तू बड़ा है अंजे, तू अंजे। मैं कहा अच्छा सर और क्या हूँ? क्या तू ये भी है? मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बड़ा हमारे पाँच छः बड़े सीनियर एक्टर, और तू ये है, तू तू। मैं कहा आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। दोस्त कहते हैं क्यों कह रहे हैं, और तू क्यों आगे से कह रहा है तू ठीक है वो ठीक है वो ठीक है, तू पागल तो नहीं, वो बता वो तू ऐसा नहीं है। और मैंने कहा नहीं नहीं वो बेवकूफ़ आदमी, हर इंसान दूसरे इंसान का आईना होता है, वो मुझे नहीं अपने आप को देख रहा है, माफ़ कर दे। ये तो हजरत अली का काज है, मैं माफ़ कर दूँ। अब मौला अली से जहाँ से जहाँ आप अपने 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 भाई से अपने नबी से इल्म लिया, तो फिर मन के रोज़ा रोज़ा पे गया, सलूट किया साहब को, सलूट किया और वो फख्र किया यार हम इनके मानने वाले हैं, हैं हम सहाबा ग्राम के मानने वाले, हम नबी के मानने वाले। तो कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दिल में नहीं है कि कार? रिग्रेट इज लाइक अ रेयर व्यू विंडो ऑफ द कार, यू कीप लुकिंग एट इट बट यू गॉट अ ड्राइव ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कीप ऑन ड्राइविंग स्ट्रेट। रिग्रेट ऑफ द पास्ट व्हाटएवर इट इज, डिप्रेशन का इलाज बड़ा आसान है मेरे हिसाब से। शायद हर बंदा शायद मेरी तरह मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन करो ना यार। नहीं तो जब कभी डिप आती है तो किस तरह वापस मजबूत हो जाते हो? 10 चक्कर ग्राउंड के। हाँ वो पहले बताया था, भाग रहा हूँ फिर लेट गए, हट जाओ पीछे, भाग जाओ पीछे, पहले अपने आप को थकाया फिर लेटे, थकाया सोए उठे, हाँ जी क्या हुआ जी, ओए हो गया, और देखते हैं बाद में इंशाल्लाह खैर करेगा, और एनालाइज करते एनालाइज करते, ये गलत था ये गलत था ये गलत था ये गलत था, एनालाइज करते एनालाइज करके ना करो, कम करो। नेक बनने बेहतर होने के लिए समीना आपा बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, थोड़ी बहुत छोड़नी पड़ती। और एकदम जुनेद बगदादी बनने की कोशिश मत किया करो, दिन में जहाँ 100 दफ़ा झूठ बोलते हो उसमें आज एक काम करके 99 दफ़ा झूठ बोल लेना, एक दफ़ा, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। नमाज पढ़ी तो दुनिया तल्ला ख़त्म हो गया, क्यों भाई? ये दुनिया का वाइज स्कूल तो 5 दफ़ा लगता था मस्जिद नबी, वो के कौन से दुनिया के मसले हल नहीं वहाँ पे होते थे? टैक्स के मसले हल नहीं हुए, ज़कात के हल नहीं हुए, बेवा के हल नहीं हुए, खाने और पीने के, तजारत के, मालगरी में हल नहीं हुए। यार हम कौन, हम किधर से हैं, हम अपनी हिस्ट्री को आग लगा दें क्या करें हम? वो सीखो तो सही ना, हर चीज मेरे लिए पैसा पैसा पैसा, वो बनाओ जी। 2 अरब 3 अरब
10 करोड़ 20 लाख खालस सिक्के के दिनार, कितनी दौलत बन गई? पता नहीं कितनी बन गई। 2 अरब हाँ, 10 करोड़ 20 लाख हाँ, खालस सिक्के के दिनार सोना, अब्दुलरहमान बिन औफ रहमतुल्लाह, इतनी दौलत, वो पूरा इंग्लैंड खरीद के वापस कर दूँ, पूरा पाकिस्तान खरीद के वापस कर दूँ। वो मना किया अल्लाह ने आपको, वो हलाल तरीके से खा, उधार लेना नहीं, उधार देना नहीं, माल को बता के बेचना। वो ताजर अल्लाह का दोस्त होता है, इंसान का बच्चा बहुत, यहाँ से रेडी वाला भी चोर है और बड़ी कंपनी वाले भी चोर है, वो क्या कर लेना है आज दुनिया में इस कैपिटलिज्म के दौर में है जी। हर बंदा समीना अभी परेशान है, हर बंदे ही गुलाम है और परेशान है, गुलामी में और परेशानी में। वो कभी इल्म मुसलमानों की मिरास हुआ करते थे, कोई मुसलमान इजादात करते थे, एनके बनाते थे जी, लेंस हमने बनाया, कैमरे का लेंस हमने बनाया है जी, एस्ट्रोलॉजी से लेके पैथोलॉजी तक हम सारा कुछ किया यार, हमने 1,10,000 इजादात है मुसलमानों की, वो किधर है? वो पिंड दादन खान में वो अलबरूनी साहब आके वो ज़मीन का खतर निकाल के पूरा, इतनी बड़ी ज़मीन है। ओ यार क्यों से हम लोग हम किधर चले गए? तो एक हमारी तारीख है, लेकिन एक हमारा जवाल भी है, उस जवाल के बाद एक फिर वाकया, कुछ वाकयात भी हैं। समीना आपा, हम 1,000 साल तो हुकूमत कर सकते हैं, हम 1,000 साल अगले 1,000 साल हुकूमत, हमें नीचे भी आना था। आपने तो पाकिस्तान का वो दौर देखा जहाँ है जी कराची मैनेज कर रहा है, पंजाब में टैलेंट आ रहा है, दोनों की मैरिज हो रही है, वो ठा करके जी तनाइयाँ में निकल रही है जी, धूप किनारे में निकल रहा है जी, वारिस भी आ रहा है जी, हैं जी इतने इतने बड़े हमारे फनकार भी आ रहे हैं, आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, हैं जी हमारी एयरलाइनें भी चल रही हैं, वो किधर से क्या था? आज कराची वाले उधर बैठ गया, लाहौर वाले उधर बैठ गया, ये मैरिज कब, तुमने तलाक क्यों दे दी एक दूसरे को? पेशावर वाले क्यों नहीं लेके आए? बलोचिस्तान में क्या याद नहीं है बलोचिस्तान? अभी खोसा साहब, खोसो साहब आते थे हमारे साथ यार, कमाल हो गई यार, सिंध से लोग नहीं आते थे, वो बड़ी बड़ी दुनिया आती थी। सो हमने ये मैरिज ख़त्म कर दी और हमने ये सिलसिला ख़त्म कर दिया समीना, बट आई स्टिल होप, आई एम स्टिल होपिंग थोड़ा फेंटा और खा लें, वो ठुड्डे ठुड्डे हमें लग जाए, ठुड्डे छुड्डे हमें लग जाए, और ठुड्डों के बाद हम कौम बन जाएंगे, हम टेलिंग यू कि इसी मिट्टी से फिर सोना उगलेगा। जिंदगी क्या है? हाय आप किधर लेके जा रहे हैं बात? आप मुझे अकेले बात कर लेना, बताए ना जिंदगी प्रोग्राम में क्यों कह रहे हैं अकेले बात कर लेना। क्या है जिंदगी, क्या समझे हो, क्या जिंदगी है? जिंदगी देखो दो तरह के लोग हैं, दो यार मुझे सुना पक्का नहीं है बता फलसफे, अब लोग मुझे क्या समझेंगे ड्रामेटर में कर रहा है? नहीं क्या है जिंदगी, इतनी जो जी है इतनी प्यारी जिंदगी क्या है? कख भी हासिल नहीं किया, खेल तमाशा है बस जिंदगी, जस्ट खेल तमाशा है। ये 4 दिनों का मेला है, ना कर बंदे हैं मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का मेला, दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी, ठीक रहा नाम उसका जो जो अल्लाह का होके जिया, नबी का गुलाम होके मरा, हाय हाय उसके चर्चे रहे, वो मैंने ना अकबर की कब्र ही नहीं पता किधर है, ना उसके किस्सों में किस्सा रहा, ना दास्तानों में दास्तान रहे, हैं खिलजी किधर गया? वो बड़ा वो ताड़ी मारते थे पूरा हिंदुस्तान हिल जाता था, वो निज़ामुद्दीन औलिया साहब, ओ भाई अजीब बस्तानी साहब हैं जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो सिंध हिंदुस्तान के बादशाह आज भी बने बैठे हैं अजमेर में। ऐसी जिंदगी जी के मर, ऐसी जिंदगी गुजार कि मरने से पहले भी लोग तुझे प्यार करें और मरने के बाद भी तुझे जिसने बुलाया वो भी प्यार करें, ये जिंदगी है। सुबिन आप पैसे में सुकून नहीं है, वो प्रिंस मर गया लिफ्ट में, दो दो सर पे दरवाजे लग रहे हैं लिफ्ट, आटा आटा आटा, आटा मर गया, पैसा कम था उसके पास, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता पैसा ना, वो कमा पूरी दुनिया खा जा, पूरी दुनिया तेरी, चल हलाल से कमा, मजा ले, निकाल जकात निकाल और मेहनत कर
زور لا زور لا, رشتےدار گالی دے رہے ہیں, رشتےدار کتنے رہ گیا سی تو, where were you for past 10 years, you didn't give us nothing, ہن کیوں آیا ساڈے کول, بھج جائے تو, بھاگ جا یہاں سے. Bear it. Oh, برداشت کر. برداشت کا نام مردانگی ہے, اس کا نام ایمان ہے, برداشت, حوصلہ, معافی, معافی. رول جا ذرا زکات میں, وہ کھڑا کر کوئی ہاسپٹل اور یونیورسٹیوں پہ زور لگا, بچیوں کو تعلیم دے, ان کو ذرا موٹیویٹ کر, ان کو یہ کر, وہ کام کر یار, زندگی ایسے گزار جو جتنی زندگی گزارنے کا سر. آج کا بچہ میرے سمیت, ہائے سوشل میڈیا, ہائے پہلے آئی فون, پھر سوشل میڈیا, اب سیزن گیم آف تھرونز. اچھا جی, منی ہائسٹ ڈائنیسٹی دیکھ لو سر. میں مجھے معاف کر دو اے خدا, کے بندوں کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے, وہ کدھر ہمیں تم نے لگا دیا ہے, وہ چائنیز روز پڑھ رہے ہیں, نوٹ بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, دنیا میں جداد کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تسی کڑے چکرے لگ گیا, وہ پاگلو, تمہیں انہوں نے ادھر لگایا تو ادھر لگ گیا. مسلمان کی میراث علم تھا, ہماری معراج علم ہے, وہ مسلمان جاہل ہو نہیں سکتا. آج دنیا میں 57 ملک مل کے بھی ایک موٹر سائیکل کا انجن نہیں بنا سکتے, شرم آنی چاہیے آپ کو سب کو. اور موت کیا ہے اصل زندگی؟ انہوں نے کہا نیند کیا ہے, آدھی موت. کہتا بھائی موت کیا ہے, لمبا ٹاپک ہے, نیند آدھی موت ہے اور موت پوری زندگی ہے. سو تیاری کرو, تیاری کرو, ایسا جیو یار, ہیلپ کرو دنیا کی, مدد کرو یار, مدد کرو. عید ہی بنو. نہ جی نہ, خود وہ بنو. میں نے ان سے کہا جی تعویز باندھ دے سر, انہوں نے کہا پتر آپ تعویز باندھو, ایسے کام کر, ایسے عمل کر جس سے خود تعویز بن جائے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, کتاب بھی ہے, حدیث بھی ہے, کر کے دکھانے والے بھی ہیں, اور تو کر لے اور جی لے زندگی, مزہ کر. I'm sorry to love me too much more, Veena. تو آج بھی سم لائٹ کوشچنس. فیوچر کے پلانس کیا ہیں؟ کوئی اشارہ؟ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں. آپ آئی ڈیڈ ناٹ پلان. I'm living today. خوش ہوں. I'm living today. I'm breathing today. Today I'm breathing. Let me breathe now. کل کیا کون ہے؟ دو دفعہ مارو جی, اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے. وہی کہ پلان اٹ آؤٹ یار, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہی آج خوش رہے اپنے, آج تو ہو جا راضی, دنیا دی جیت لے بازی. تھینک یو, بہت مزہ آیا. تھینک یو, جیتے رہو, خوش رہو, ایسے ہی خوش رہو, ایسے ہی رہو. تھینکس 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 تھینکس, لو یو.